हां, सिंघू बॉर्डर पर करीब 3.5 घंटे से ज्यादा बैठक चली। किसान नेताओं ने किसान आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया। किसान नेताओं ने कहा एमएसपी पर कानून सहित अन्य मांगों पर किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे ने किसानों और सरकार के बीच बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय करेगी। इसके साथ ही किसानों की अगली बैठक 7 दिसंबर को रखी गई है। कृषि कानून आज एसकेएम की बहुत ही जबरदस्त मीटिंग आज हुई यहां सिंघू बॉर्डर में, और ये जो 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी थे, जनता विरोधी थे और पूरी तरीके से कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको जो रद्द करना पड़ा केंद्र सरकार को, ये बहुत भारी जीत हमारे पूरे देश के किसानों की है। और इस जीत में हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तराखंड के किसान, राजस्थान के किसान और मध्य प्रदेश के किसान, जिन्होंने एक साल भर लाखों की तादाद में ये दिल्ली का आंदोलन कामयाब किया, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आज इस मीटिंग में कुछ बातें आगे गई है, कुछ चर्चाएं सरकार के साथ हुई है, कुछ सरकार का रवैया इन मांगों के बारे में, कुछ मांगों के बारे में, सभी मांगों के बारे में ऐसी बात नहीं है। आज यहां पर आज के मीटिंग में पूरे एक मत के साथ ये तय हुआ, आगे आने वाले ये कुछ दिनों में 5 मेंबरी कमिटी एसकेएम ने तय की और वो चर्चा होगी, और उसके बाद में 7 तारीख को एसकेएम की फिर से मीटिंग होगी उसका ब्यौरा लेने के लिए। एसकेएम ने तय किया यहाँ पर मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी, वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं, ये राज्यपाल जी हैं जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ून जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है, जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। हमें बातचीत कल हुई थी और हरियाणा की कमेटी बनी हुई है, अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटियां बनी हुई हैं, वे कमेटियां फिर बातचीत कर सकती हैं। अपनी ये कमेटी बनेगी, ये कमेटी तय करती रहेगी किस किस स्टेट में किस किस को जाना है, ये कमेटी पूरे एसकेएम को बताती रहेगी, और जहां पे भी जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी, इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करें, इस कमेटी तक संपर्क करें, ये कमेटी एसकेएम को बताएगी। कार से उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई लिखित हमारे पास पत्र नहीं आया। जो हमारे साथियों ने बताया वो हमारी मांगे हैं, पूर्व का अनुभव हमारा नहीं रहा अच्छा। मंदसौर गोली कांड में कहा था सरकार ने कि हम 1 करोड़ देंगे, दिया, नौकरी भी दी, पर मुकदमे अभी भी हमारे 9000 मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां भी ये आंदोलन होता है तो ये हमारी थर्ड पहली है, गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। नंबर 1 कि सबसे बड़ी संसद में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसान शहीदों का। मैं बता दूं प्रेस को कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है इस देश की जो सभी प्रकार की मौतों के आंकड़े रखती है, और पार्लियामेंट में ऐसा बयान देना निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, निंदा पूर्वक है, अपमानजनक है कि एक संगठन के 150 किसानों का पोस्टमार्टम यही हुआ है। पुलिस के पास रिकॉर्ड है, सबके पास रिकॉर्ड है, उसके बाद ऐसा कह देना ये उचित नहीं है। तो आंदोलन अभी जारी है, इस बात का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है। सरकार का एजेंडा भी यहां पर साफ होना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए हैं।
जो लगातार इस बैठक को कवर कर रहे थे और उन्होंने कई किसान नेताओं से बातचीत भी की इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर। मुकेश मंडल, फिलहाल किसानों का क्या एजेंडा दिखाई दे रहा है, क्या इस बारे में जानकारी मिल रही है कि सरकार के साथ बातचीत कब होगी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि आज जो यहाँ बैठक की गई है संयुक्त किसान मोर्चे की, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो बड़ी जीत थी हमने जीत ली है, अब छोटी लड़ाई बाकी है और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे। हालांकि आज 5 लोग की कमेटी भी बनाई गई है जिसमें शिव कुमार कक्का, अशोक धावले, युद्धवीर सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ोनी, बलवीर सिंह राजेवाल है। ये 5 लोग हैं जिनकी कमेटी बनाई गई। इन 5 लोगों का काम होगा जो केंद्र सरकार है उनसे बातचीत करना तमाम मुद्दों पे। यदि किसी राज्य की सरकार उनको बातचीत के लिए बुलाती है तो वहां भी जाएंगे। इनका साफ तौर से कहना है कि जो किसान कृषि आंदोलन के दौरान मारे गए हैं उनको मुआवजा मिले, उनके परिवार वालों को नौकरी मिले। जो FIR दर्ज की गई है, चाहे दिल्ली 26 जनवरी की हम बात करें, जो लाल किले पे जो आपने देखा था तस्वीरें वहां की बात करें, या फिर जो बॉर्डर पे डटे हुए हैं किसान वहां की बात करें, तमाम जो किसान है जिन पे भी FIR दर्ज की गई है वो FIR तत्काल प्रभाव से रद्द होना चाहिए। इसके अलावा सोनीपत में खासकर हरियाणा सरकार से जमीन की मांग कर रहे हैं कि जो कृषि आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई उनकी याद में एक स्थल बनाया जाएगा, स्मृति स्थल बनाया जाएगा उनकी याद में, तो वो इस चीज की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा लखीमपुर खेरी में जो कांड हुआ था जिसमें कई किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, जैसा कि किसानों का आरोप है, जो केंद्रीय मंत्री थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो 2020 में जो बिजली बिल आए थे उनको ये कह रहे हैं कि उस बिजली बिल को माफ करे सरकार, क्योंकि उस दौरान आंदोलन जारी था और ऐसे में भारी भरकम बिजली का बोझ हम लोगों के ऊपर थमा दिया गया। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज कमेटी बनाई गई है। अब कोई भी प्रशासन से सरकार से बातचीत होगी तो सिर्फ ये 5 लोग की कमेटी ही करेगी। इसके बाद जब हम किसानों से हम बात करने निकले थे तो किसानों को साफ तौर पर कहना है जो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला होगा उसी फैसले के आधार पे हम आगे का काम करेंगे, आगे रहेंगे। फिलहाल इनका धरना जारी है। 7 तारीख को एक और बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि बीच में 2-3 दिन का टाइम है, इन दिनों क्या कुछ प्रोग्रेस होती है, 5 लोगों की जो कमेटी है वो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हैं या किन किन से मुलाकात करते हैं इन दिनों में, वो तमाम चीजों को लेकर अगली बैठक बुलाई गई है। लेकिन एक चीज तो साफ है, किसान अब मूड में आ गए हैं कि हम जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ी और जो हमारी बड़ी जीत थी जिसको हमने हासिल किया, उसके बाद अब जो बाकी की मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पर देखना ये भी है कि अब ये बातचीत कब होती है। जो 5 सदस्यीय कमेटी का गठन संयुक्त किसान मोर्चे ने किया है, अब सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर ये कब आएंगे, ये भी देखने वाली बात है। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।